सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली से बनारस तक इस ट्रेन में सफर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम 8 घंटे ट्रेन के एग्जीक्यूटिव चेयर कार में सफर करेंगे। इस ट्रेन में पीएम मोदी के साथ रेलवे के चुनिंदा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये ट्रेन दिल्ली से चलकर सबसे पहले कानपुर में रुकेगी, जहां पर पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां से ये ट्रेन 40 मिनट बाद चलेगी और फिर पीएम कानपुर से ट्रेन में सवार होंगे। फिर ये ट्रेन इलाहाबाद में 40 मिनट रुकेगी, यहां पर पीएम फिर से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद ये ट्रेन बनारस के लिए रवाना हो जाएगी, यहां पर भी एक जनसभा होगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम के कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसे चेन्नई के रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस की तर्ज पर बैठने की व्यवस्था रखी गई है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।